दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ। आज है 19 सितंबर सन 2024। दोस्तों ग्रेन्स में यानी अनाज पे, चाहे गेहूँ हो, मक्का हो, बाजरा हो या फिर जो, इस पे लगातार अपडेट और विश्लेषण हम आपको देते हैं। याद कीजिए गेहूँ पर जो हमारे अपडेट जो अक्सर सत्य साबित हुए, इसके अलावा मक्का और बाजरा पे भी हमारे अपडेट सही साबित होते देखे गए हैं। दोस्तों मक्का की नहीं कि महाराष्ट्र और कर्नाटक की मंडियों से खबर निकल के आ रही है कि वहाँ मक्का के भाव में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि 18 सितंबर को महाराष्ट्र, कर्नाटक और बाकी दक्षिण भारतीय बाजारों के प्रमुख केंद्रों में मक्का की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और ये 25 से 50 रुपए प्रति क्विंटल के बीच उतार चढ़ाव देखा जा रहा है और अभी भाव में स्टेबिलिटी यानी स्थिरता कम है या बाजार अस्थिर दिखाई दे जा रहे हैं। कोपल में लगभग 5000 बोरी नई मक्का की आवक शुरू हो गई है जिसकी कीमत 2650 रुपए से 2700 रुपए प्रति क्विंटल तक बताई जा रही है। मौसम इलाके का साफ है जिससे निकट भविष्य के अंदर अब आवक बढ़ने की संभावना बन गई है। इसके बीच निजामाबाद बड्डी मंडी कल 18 तारीख को बंद थी और अनुकूल मौसम की स्थिति में शीघ्र ही मक्के की अराइवल बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। निजामाबाद क्षेत्र में लेन देन वर्तमान समय में 2800 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर किया जा रहा है जो पिछले कारोबारी सत्रों से 100 रुपये की प्रति क्विंटल की गिरावट बताई जा रही है। गौरतलब है अगले 10 दिनों में जो डिलीवरी के साथ निजामाबाद क्षेत्र में पुणे लाइन तक जो डिलीवरी के लिए कई फॉरवर्ड सौदे थे वो पुनः रीएडजस्टमेंट भी होने के समाचार मिल रहे हैं। जैसे जैसे बाजार की स्थिति विकसित हो रही है अब बाजारों में उतार चढ़ाव मक्का में अधिक देखा जा सकेगा। दोस्तों हमने आपको यही कहा था कि आपको याद होगा कि मक्के के अंदर शानदार तेजी बनी है, खासकर बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक के साथ साथ उत्तर भारत की मंडियों में भी मक्का ने शानदार रिटर्न दिया है। मक्का और बाजरा ने इस बार शानदार रिटर्न दिया है, अब मुनाफा वसूल करना चाहिए या फिर रुकना चाहिए, आगे की क्या स्थिति बन सकती है, इसकी विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।